एनसीआरबी को भी बंद कर दिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स को बंद करके ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मर्ज कर दिया। फिर होम मिनिस्ट्री में खुद प्रोटेस्ट हुआ और डी मर्जर किया और वापस फिर एनसीआरबी है, लेकिन जो नंबर्स आने वाले हैं उससे बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल फेक नंबर्स हैं। और जो नंबर्स आप लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, महाराष्ट्र में 2000 हुआ, मध्य प्रदेश में 1000 हुआ, ये कहां से आ रहे हैं मालूम? सरकार का किस डिपार्टमेंट से आ रहे हैं ये नंबर? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। ये टास्क क्यों रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया? इसलिए कॉम्पनसेशन वो डील करते हैं और कॉम्पनसेशन को कम करने में नंबर्स कम करते हैं, समझे? महाराष्ट्र का जितना नंबर आया है डॉक्टर साहब वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आ रहा है, और हर राज्य यही नाटक बन रही है। 25 मंथ्स नो पब्लिकेशन ऑफ फिगर्स ऑन फार्मर्स सुइसाइड, ये एक बात। दूसरा देखो, अभी मैंने 25 साल ये कृषि संकट को कवर कर रहा हूं रिपोर्टर के रूप में, मैं रिपोर्टर ही हूं। मैं देख रहा हूं पिछले 6 महीने में कम से कम 11 राज्य में टूर कर चुका हूं, पंजाब में 3 हफ्ते रहा मई महीने में। माहौल बदल गई, एक माहौल बन गई, मूड बदल गई। 2004 में एक बार मैंने एक मोमेंट देखा कि एक बड़ा एंगर है, कॉन्फिडेंस है, हम लड़ सकते हैं। अभी ऐसा एक एटीट्यूड बन गया हर जगह में, जहां भी मैंने गया पंजाब में, मुकतसर, संगरूर, बरनाला, पटियाला, हर जगह में, और तेलंगाना में जब मैं गया, तमिलनाडु में जब मैं जाता हूं, दो मंत्र बन गए किसान के मन में। एक तो स्वामीनाथन कमीशन, हर किसान हर मजदूर यह जानता है कि स्वामीनाथन कमीशन का कुछ डिमांड है, लेकिन वो स्वामीनाथन कमीशन में और ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है एमएसपी के आगे भी और लोन लेवर के आगे भी। देखिए सरकार का नाटक अभी तैयार हो गया पूरा, एमएसपी को वो क्या करने वाले हैं, अनाउंस कर देंगे, नंबर अनाउंस करके प्रोक्योरमेंट नहीं करने वाले। अभी आप सब जानते हैं पिछले 15 साल यही नाटक है, 10 दिन के 15 दिन डिले करेंगे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ओपन करने के लिए और 10 दिन अर्ली बंद करेंगे, ये है उसका नाटक। और मैं योगेन भाई बता रहा है कि उसके काउंटर करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बन रहा है, बहुत अच्छा है। दूसरा है जो लोन वेवर का, देखिए ये लोन वेवर साहूकार का डेट नहीं कवर कर रहा है, जैसा पंजाब में 17,000 करोड़ का डेट है अहत्या को, वो कवर नहीं किया जो सरकार आया है अभी। तो वो पार्लियामेंट स्पेशल सेशन में जो आप बुलाएंगे उसमें 3 दिन स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट जो 2004 और 2006 से पड़ा है 12 साल पार्लियामेंट में डिस्कशन के बिना, 3 दिन उसके डिस्कस करो, क्रेडिट सिस्टम्स डिस्कस करिए 3 दिन, यू नीड 3 डेज डिस्कशन ऑफ क्रेडिट सिस्टम्स। सिर्फ लोन देवर का नहीं, लेकिन किसान को लोन कहां से आएगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर से आना पड़ेगा, यू हैव अ राइट टू द क्रेडिट, वो राइट आप एसर्ट कर लीजिए। तीसरे आप 3 दिन आप पानी की संकट, मैं कहता हूं कि ये सिर्फ ड्राउट का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बिगा वाटर क्राइसिस है, जैसा हम यूज कर रहे हैं, जैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसा आप रिजर्व नहीं कर रहे हैं, उसका एक 3 दिन। और मैं ये भी चाहता हूं कि जब आप पार्लियामेंट स्पेशल सेशन डिमांड करेंगे उसमें कृषि संकट का विक्टिम्स भी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट से बात करने दो कि कृषि संकट क्या है और हमको कैसा असर पड़ा, कितना तनाव दिया, हाउ इट हैज इंपैक्टेड अस, लेट द विक्टिम्स ऑफ द क्राइसिस स्पीक टू द मेंबर्स ऑफ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, टू द जॉइंट हॉल ऑफ पार्लियामेंट, एक तो। दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि वो मूड सिर्फ किसान तो सबसे मिलिटेंट है अभी, सबसे आगे है, लेकिन वो मूड मध्यम वर्ग में भी आके हर कैंपस में अनरेस्ट है अभी, हर और देखिए हर मध्यम वर्ग में बहुत सारा, जैसा दबले साहब ने बताया, एक सिंपथी भी आ गया, एक सिंपथी आ गया कि फार्मर्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड राइटली इन दिस कंट्री। उतना तो ये भी मैं देख रहा हूं 10-12 साल के बारे में ऐसा इतना इंटेंसली बन गई, जब मैं पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया से रिप्रेजेंट करता हूं, वो एक वेबसाइट है, जब हमने वो पहली
तीन चार रिपोर्ट लॉन्ग मार्च के बारे में नासिक से मुंबई तक हम कवर किया, एक भी न्यूज़पेपर नहीं था, एक भी चैनल नहीं था, लेकिन उसके बाद इतनी बढ़ गई, पूरा मिडिल क्लासेस वहां आ गया आजाद मैदान में। और मैं कह रहा हूं कि आपका मार्च, जब आप लंबे आपका मार्च करेंगे, उस मार्च में मैं देख रहा हूं कि ऐसा ऐसा ब्रिगेड होना चाहिए, डॉक्टर्स फॉर फार्मर्स, लॉयर्स फॉर फार्मर्स, वकील फॉर फार्मर्स, स्टूडेंट्स फॉर फार्मर्स, सिटीजन्स फॉर फार्मर्स। देखिए, जो मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, दूसरा वर्ग जो वो करते हैं, वो सिर्फ सॉलिडारिटी कर सकते हैं। आप लोग लीडरशिप और संघर्ष आप करेंगे। मैं कह रहा हूं कि हर नेशनली एक सिटीजन्स फॉर फार्मर्स कमिटी, मिडिल क्लासेस मोबिलाइज करने के लिए, उसका सॉलिडारिटी लाने के लिए हम उसको करना है। और एक देखिए, जैसे अगर आप वॉलमार्ट का इश्यू लेंगे, साथी बैठा है यहां, आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है। वो डिमांड्स पे दूसरा वर्ग को भी आप ला सकते हैं इस, एंड वेयर द इंटरेस्ट आर कन्वर्जिंग, वो हम कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट का इश्यू, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का इश्यू, वेरी इंपॉर्टेंटली महिला किसान का इश्यू, ये सब लाना पड़ेगा वो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। और एक बात और, एक डिमांड देखिए, मैं कह रहा हूं कि बजट में परमानेंटली स्टैट्यूटरी मिनिमम होना चाहिए एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। पिछले बार जब हुआ था, हाईएस्ट परसेंटेज पिछले 30 साल में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री था, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर 89 में हुआ था, 89 लास्ट, उसका लास्ट बजट में हाईएस्ट एक्सपेंडिचर। हम ये भी डिमांड ले सकते हैं कि उससे कम कभी नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर का। तो यू कैन डिमांड मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, बजट का मिनिमम वो होना चाहिए। और देखिए, ये यू नो, ये सिटीजन्स फॉर फार्मर्स बनाएंगे तो एक और नाटक होगा जो सामने आ रही है। मीडिया आप लोग को बहुत होस्टाइल है, समझ लीजिए। अगर दूसरा वर्ग भी आएंगे, मिडिल क्लासेस आएंगे, सब आएंगे, उसका चॉइस नहीं होगा। मैंने देखा हूं इसी शहर में 5 लाख किसान, 6 लाख किसान और मजदूर आ चुका है और एक फोटो भी नहीं मिला न्यूज़पेपर में, ऐसा है। अभी मल्टी क्लास करेंगे तो, लेकिन लीडरशिप किसान आप लोग ही कर सकते हैं। You have the fighting strength and the fighting spirit to take it forward. लेकिन वो मल्टी क्लास करेंगे तो मीडिया को भी, they have no choice but to cover you and give you that kind of coverage which your matter deserves. मैं आपको अपील करता हूं कि हर जगह में, हर शहर में, हर जिला में let us have citizens for farmers committees, जिसमें किसान होगा। ये इनफॉर्मल कमिटीज समझो, इनफॉर्मल समझो, जो भी आ सकता है, टीचर्स आ सकते हैं, जो भी आ सकते हैं उसमें। और आप ये भी कीप दिस इन योर माइंड। लास्टली, मैं चाहता हूं कि ऐसा एक माहौल होना चाहिए, ऐसा एक मूड बनना चाहिए कि जो आ रहा है पार्टिसिपेट करने को, उसका मन में यह होना चाहिए कि 20 साल के बाद वो उनका बेटे और पोते को बताएंगे कि हम इस मार्च में खड़ा था। थैंक यू।